और भाइयों कैसे हो। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रियल अमीन ब्रो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं Redmi सीरीज के बारे में, जिसमें अभी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है Redmi Note 10 Pro Max। ठीक है, उससे पहले हुआ था Redmi Note 10। तो Redmi Note 10 Pro Max के बारे में जानेंगे। अप्रोक्सीमेट सारा स्पेसिफिकेशन सेम ही है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई Redmi Note 10 Pro Max में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, सेल्फीज कैमरा मिलने वाला है, डिस्प्ले जो होगा वो आपको अच्छा खासा एमुलेट डिस्प्ले मिलने वाला है। तो अप्रोक्सीमेट मोबाइल बढ़िया ही है, सिमिलर टू 10 Pro Max में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले है भाई 6.67 फुल HD एमोलेड डिस्प्ले, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे आपको मिल रहा है भाई, तो ये एक बढ़िया है। बात करें भाई फिर प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर इसमें भी स्नैपड्रैगन 732G क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। बैटरी की बात करें भाई तो बैटरी मिलने वाली है 5020 mAh की, जो 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। कैमरे की बात करें भाई तो इसमें चार कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा जो है वो 108 मेगापिक्सल का है, और इसके साथ बाकी तीन जो है वो सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड है, और 5 मेगापिक्सल का जो इसमें माइक्रो प्रोसेसर है, और 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का, बीच में बिंदी सा रहेगा, समझ रहे हो। कनेक्टिविटी की बात करें भाई तो कनेक्टिविटी डुअल वोल्ट ही है, और वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ जो है वो 5.1 मिलने वाला है, और डुअल बैंड वाईफाई इसमें दिया गया है। बात कर भाई मोड की, तो मोड इसमें भी दिया गया है, ब्लॉग मोड और क्लोन मोड, जो एक ही बंदा अलग अलग जगह से मतलब फोटो ले सकता है। तो इस कैमरा में भी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो 10 प्रो में थे। भाई कलर भी सेम ब्राउन्ज और डार्क यही सब मिलने वाला है, तीन कलर इसमें भी है सेम, उसमें भी है सेम। तो भाई बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार इसमें भी इसका प्राइस जो होने वाला है वो होने वाला है 8,999, मतलब टोटल 19,000 रुपये इसमें देने पड़ रहे हैं, और 10 प्रो में आपको देने पड़ रहे हैं 16,000 रुपये। तो इसका प्राइस ज़्यादा है, उसका प्राइस कम है। मेरी यदि दोनों में यदि कंपेयर करके बताएं आपको कि मतलब यार ज़्यादा क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बस होने वाला है आपका एक कैमरा का ही डिफरेंस इसमें दिया गया है कि यार उसमें 64 मेगापिक्सल है, इसमें 108 मेगापिक्सल है। तो आपको यदि ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा प्रो में और प्रो मैक्स में, बस कैमरे का ही डिफरेंस है, और इसमें जो थिकनेस है वो 8.1 mm का थिकनेस है, और वेट 194 ग्राम के लगभग है। तो आप जा सकते हो प्रो के साथ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 10 प्रो जो है, प्रो में आप अच्छे रैम वाले फ़ोन ले लो, मतलब जैसे कि 6 GB वाला है तो 8 GB रैम वाला ले सकते हो आप, तो इससे बेटर हो जाएगा। यदि आपको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए प्राइस रेंज, तो मेरा कहना तो यही है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मेगापिक्सल में इतना ज़्यादा खास कोई फर्क नहीं देता है। तो भाई मेरा सजेशन यही था, वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करना भाई, और सब्सक्राइब यदि अच्छा वीडियो लगता है तो सब्सक्राइब कर देना है, और दोस्तों में शेयर जरूर करना है, दिखा देना है, गर्लफ्रेंड को भी भेज देना है। तो भाई बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखें अपना ध्यान, अपने गर्लफ्रेंड का ध्यान, और मम्मी पापा का ध्यान। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।